उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था, उस शेर की बुनियाद। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इम्तियाज जलील ने अपनी रैली निकालने से पहले अपने बयान में क्या कहा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कही इम्तियाज जलील ने बहुत बड़ी बात। चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री एक बार शिंदे साहब का जो जिला है वहाँ पर आया हूँ, मुझसे कहा गया था कि तुम नहीं आ सकते हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ आपके साथ आया हूँ। देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तुझे केशाला ही अमी हाथ लाऊ देनार नहीं, मंजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा, यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 58-60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे है कि नहीं इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे है वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ। तो मौलाना अजहरी के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं या उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने वाले हैं? देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं, उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिलवा छोड़े गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते है करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मजहब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है, जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था, उस शेर की बुनियाद के ऊपर एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है, तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम उफ भी कर दे ले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुले आम नंगा नाच कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके तो संविधान देंगे उन्हें, याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहां से लोग आपकी रैली में? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके,
आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखने को मिली। नीतीश राणे के जिस बयान को लेकर बवाल मचा है, उस पर खुद नीतीश राणे का क्या कहना है सुनिए। हमको ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी मालूमात लेनी चाहिए। जब से हमारे महंत रामगिरी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो जो व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया है, जो जो व्यक्ति ने उनके स्टेटमेंट का व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उनके घर पे जाके उनको मार डालने की धमकी दी जा रही है। पूना में पिछले हफ्ते पूना जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक मोर्चा निकाला गया और इस वो मोर्चे में रामगिरी महाराज जी को धमकाया गया और सर तन से जुदा इस तरीके की घोषणाएं दी गई। तो मतलब हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज जो जो रामगिरी महाराज को समर्थन करेगा उसको आप मार डालोगे क्या, उसका सर तन से जुदा करोगे क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से जो कुछ सजा अभी FIR रामगिरी महाराज जी के ऊपर भी हुई है, जो सजा उनको FIR के माध्यम से होगी वो केस इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके बाद होगा ना। मगर ये मार डालने की जो कि धमकियां दी जा रही है हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, हमारे देश में हमारे महाराष्ट्र में शरिया कायदा अभी तक लाया गया नहीं है। तो इसलिए अगर आप हमको शर्त अंश जुदा की घोषणाएं देंगे तो हम किसी पार्टी के आमदार होने के पहले, किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले हम भी एक हिंदू है और हम भी उसी तरीके का एक्शन टू रिएक्शन देंगे, उसी तरीके वही तरीके का संदेश कल हमने हमारे मोर्चा और हमारे सभा के माध्यम से दिया है। आपका गब्बर वाला स्टेटमेंट भी आया हो, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला जो हिंदू समाज उसको जो अलग अलग तरीके से डराया जा रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए हमारे हिंदू समाज भी किसी से डरता नहीं, हम भी हिंदू समाज के साथ में हैं। हमारे तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो हम भी चुप बैठेंगे नहीं, और उसी को नजर में रखते हुए मैंने वो गब्बर का स्टेटमेंट मैंने दिया। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा हिंदू संत रामगिरी महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। AIMIM का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और DGP मामले का संज्ञान लेकर तत्काल उचित कार्रवाई करें, संविधान का पालन करें। सितंबर की शुरुआत में अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे के बाद एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी विधायक नीतीश राणे शामिल हुए। इस सभा के दौरान राणे ने कहा था कि ज्यादा नहीं सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिस कर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखा देंगे, हम उन्हें ये एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। फिलहाल इस पूरे मामले से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई और AIMIM इस मामले को मुद्दा बनाए हुए। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।